हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 9 डेज रोड ट्रिप। आज हम आए शिवराजपुर बीच, जिसे इंडिया का वन ऑफ दी ब्लू फ्लैग बीच नाम से डिक्लेयर किया गया है। अभी ब्लू फ्लैग बीच मतलब क्या कि एक ऐसा बीच जहाँ का वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो, स्विमिंग का एरिया अलग से हो, सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता हो और जो प्लास्टिक फ्री जोन हो, ऐसा खूबसूरत बीच। तो ये शिवराजपुर बीच है, बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक फ्री भी है और काफ़ी अच्छा है, साफ़ है। यहाँ आज सैटरडे है तो वीकेंड में बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आ रही है और हमें भी सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। सनसेट का टाइम है और आप समुंदर के वेव्स देख रहे हो कितने पास तक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत शिवराजपुर बीच। पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि हमने द्वारका एक्सप्लोर किया, दोपहर के 2 बजे के करीबन हमने लंच किया और बाद में हम आगे बढ़े शिवराजपुर बीच, जो बेट द्वारका रोड पे ही है, जिसका डिस्टेंस द्वारका से करीबन 12 किलोमीटर है। यहाँ पर पार्किंग की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एंट्री गेट से पहले लाइट हाउस के पास में जो समुंदर वाली जगह है, वहाँ पे आप ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ का पानी तो बहुत क्लीन है ही, लेकिन फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। बाद में हम आगे बढ़े शिवराजपुर बीच के एंट्री गेट की ओर। वीकेंड होने की वजह से 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लिया जाता था। इस 9 डेज रोड ट्रिप में हम करीबन जितनी भी जगह गए, वो सारी जगह समुंदर के पास में ही थी। फिर चाहे वो भावनगर के बीचेस हो, दीव के, सोमनाथ के या फिर द्वारका के, कहीं पर भी कोई एंट्री टिकट का चार्ज नहीं था। लेकिन ये पहली जगह हमने ऐसी देखी जहाँ पर एंट्री के लिए चार्ज लिया जाता था। कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसा क्या है यहाँ पर कि एंट्री के लिए चार्ज लिया जाता है। अक्टूबर 2020 में इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग बीच का टैग दिया गया, जिसमें से शिवराजपुर बीच एक है और ये जगह देवभूमि द्वारका के शिवराजपुर विलेज के पास में है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जिसमें से स्पेन कंट्री में सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। 1985 में फ्रांस में ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया और इस सर्टिफिकेशन को समर्थन डेनमार्क के एनवायरमेंट एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 33 क्राइटेरिया कंपलसरी है, जैसे कि एनवायरमेंटल, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एजुकेशनल सेफ्टी, सर्विसेज एंड एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। शिवराजपुर बीच के पास में फैसिलिटीज बहुत सारी हैं और सब जगह को क्लीन भी अच्छा रखा जाता है। यहाँ पर गार्डन्स, सोलर सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, कॉस्ट्यूम, स्विमिंग एरिया, चिल्ड्रन प्ले, स्पॉट एक्टिविटी, फूड्स जैसी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, अगर आपको समुंदर के पास में रेस्ट करना हो तो शायद उसके लिए अभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो पर्सनली समुंदर के पास में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे क्लीन वाइट सैंड ब्लू वाटर बीच हो तो बात ही कुछ और होती है। हमने काफ़ी टाइम यहाँ वहाँ घूमते हुए स्पेंड किया और 2-3 घंटे में 4-5 बार तो चाय भी पी ली। समुंदर के पानी में नहा के एंजॉय करना और स्पॉट एक्टिविटी को भी एंजॉय करने का बहुत मन था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी तो वो तो हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप जरूर एंजॉय करना। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत बीच को और अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि हॉर्स राइड, कैमल राइड है, डर्ट बाइक है, बोट राइड है, जेट स्की है, ऐसी बहुत सारी स्पॉट एक्टिविटी और स्कूबा डाइविंग भी होती है। तो चलिए हम वो भी एक्सप्लोर करते हैं। एक ब्लू फ्लैग बीच है, मतलब कि प्लास्टिक फ्री जोन। लेकिन अभी हमने एक्सप्लोर करते हुए देखा कि बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक था, पानी की बोतल पड़ी हुई थी, कचरा था,
तो ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि रिसेंटली ये बीच पॉपुलर हुआ और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अभी ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा गंदगी भी करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे साफ रखें, क्लीन रखें और इसे ब्लू फ्लैग बीच ही रहने दीजिए। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बीचेस तो है लेकिन बहुत ही कम बीचेस है जो ब्लू फ्लैग के अंडर में आते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए, स्पॉट एक्टिविटी कीजिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन इसे क्लीन रखने में गवर्नमेंट की मदद कीजिए, क्योंकि क्लीन रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस यही मैं कहना चाहता था। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिए, केयर करें और यहाँ पर एंजॉय करिए लेकिन गंदगी मत करिए। तो शिवराजपुर बीच आके हमें सच में बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड भी किया। मतलब ये 9 डेज रोड ट्रिप में ऐसे बहुत ही कम लोकेशन है जहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया अच्छे से। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही क्लीन है, बीच भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी स्पॉट एक्टिविटी होती है जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। अगर वीकेंड में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत क्राउड होगा और वीकेंड में टिकट चार्ज भी होता है, एंट्री फ्री होती है। तो आप वीकडेज में आओगे तो कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन वीकेंड में क्राउड बहुत ही होगा, लेकिन आपको मज़ा भी इतना ही आने वाला है, तो कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से हमने बहुत ही एंजॉय किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप द्वारका तक आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, सनसेट को एंजॉय करने के बाद हम निकल लेंगे वापस पोरबंदर के लिए। बाद में हम कल पोरबंदर सिटी को फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पोरबंदर सिटी के कुछ रिमेनिंग लोकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.